हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं। जियो ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका ही नाम रखा गया है जियो की तरफ से जियो ग्रुप टॉक ऐप, और वो वोल्टे ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए लॉन्च किया गया है। और आज हम इसी के बारे में अपने वीडियो में बात करने वाले हैं, कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके टॉप फीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक न्यूज़ मैं हर दिन लाते रहता हूँ और आपको हर दिन मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके मेरे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में हम। तो रिलायंस जियो ने रोल आउट किया एक नया ऐप, मतलब लॉन्च किया एक नया ऐप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, जिसका ही नाम रखा गया है जियो ग्रुप टॉक ऐप। और ये जो ऐप है ये यूज़र्स को अलाउ करता है कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए ओवर इट्स 4G VoLTE नेटवर्क। तो जो जियो ग्रुप टॉक ऐप है वो अभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए सिर्फ आया है, और अभी तक रिलायंस जियो ने कुछ बोला नहीं है कि ये ऑफिशियली iOS में लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली ये बता दिया है कि एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो चुका है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वाया गूगल प्ले स्टोर। और जो भी लोग इस जियो टॉक को यूज़ करना चाहते हैं, जियो गूगल मतलब जियो टॉक ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, जियो ग्रुप टॉक ऐप को, वो लोग अपना मोबाइल नंबर contact@jgt.gmail.com पे अपना मोबाइल नंबर को मेल कर सकते हैं और वो रजिस्टर हो जाएंगे जियो ग्रुप टॉक ऐप के लिए, और फिर वो डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये जो जियो का ग्रुप टॉक ऐप है, इसमें आप 10 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एक ग्रुप कॉल के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐप ऐसा फीचर नहीं लाया है जिसमें कि आप 10 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। व्हाट्सएप भी है लेकिन उसमें आप सिर्फ 4 लोग को जोड़ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, आप बहुत सारे तरह के कॉल इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स में आप कॉल लगा सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल जब मन करता है आपका तब। जैसे आप 2 लोग में बात कर रहे हैं तो आपको मन किया कि और अपने फ्रेंड्स को जोड़ लें, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर सकते हैं उन लोगों को जिनको आप ऐड करना चाहते हैं बिना कॉल कट किए हुए। तो आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको जैसे ही आप किसी मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और उसे चाहेंगे कि उसे ऐड कर लें अपने कॉल में, तो उसको एक इनविटेशन जाएगा ज्वाइन करने के लिए ग्रुप को। और जैसे कि आप कोई ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ज्वाइन करवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जियो ग्रुप टॉक का जो ऐप है वो एडमिन को अलाउ करता है पूरे ग्रुप पर कंट्रोल रखने का, मतलब किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, मतलब किस पार्टिसिपेंट को ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, और आपके हाथ में मतलब जो भी लोग एडमिन नहीं है उनके हाथ में भी एक चीज़ है, वो है इनबिल्ट म्यूट का ऑप्शन। जैसे आप उस ग्रुप को म्यूट करना चाहते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं तो आप म्यूट कर सकते हैं उस ग्रुप को, लेकिन उसके मैसेजेस मतलब उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे, लेकिन जब आप जियो ग्रुप टॉक ऐप को खोलेंगे तो आप उसके मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये जो इनबिल्ट म्यूट का ऑप्शन है वो इंडिविजुअली सभी मेंबर्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो एडमिन्स के कंट्रोल में है। इनबिल्ट म्यूट का फीचर सभी के लिए इंडिविजुअली प्रोवाइड किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें एक लेक्चर मोड भी है जिसमें कि आप एक मेंबर से ही ग्रुप कॉल में बात कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ऐप पेश की गई है रिलायंस जियो की तरफ से। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें यूज़र्स को अलाउ किया जाता है HD क्वालिटी ग्रुप कॉल्स करने का, मतलब HD क्वालिटी में आप ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं। मतलब आगे हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपके पास जियो का सिम, ऐसा नहीं है कि आपके पास जियो का सिम होना चाहिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए, आप ग्रुप कॉल में कोई भी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी अदर वोडाफोन या एयरटेल के भी जो यूज़र्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं ग्रुप कॉल में, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जियो यूज़र्स को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप भी अलाउ करता है आपको वॉइस कॉल्स करने के लिए ओवर द इंटरनेट, बट उसमें जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया आप 4 मेंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन जियो ग्रुप का जो टॉक ऐप है इसमें आप 10 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एक ही बार में।
तो बहुत ही अच्छी ऐप पेश की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं, जियो का जो ग्रुप टॉक ऐप है वो अभी सिर्फ वॉइस कॉल को सपोर्ट करता है, वीडियो कॉल अभी सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट करता है वीडियो कॉल, और उसमें भी आपको लिमिटेशन है, आप 4 मेंबर तक ही वीडियो कॉल सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ऐप पेश की गई जियो की तरफ से, आपको इसे ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। और जो भी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो मेल कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर जियो के कस्टमर केयर को, कॉन्टैक्ट jio@gmail.com, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।